આપનું નામ? મારું નામ રવિભાઈ શેખ, શ્રી સંત જ્ઞાનેશ સ્કૂલના ટ્રસ્ટી છે. આજ રોજ જે તિરંગાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે 15 ઓગસ્ટને લઈને, શું કહેશો તેને? આજનો જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે એ 15 ઓગસ્ટ આવી રહી છે, એને અનુસંધાને પણ અને દરેક રાજ્યમાં એ કર્નલ રણવીર જામવાલજી સરનું મિશન છે કે હર શિખર તિરંગા મિશન છે એનું, તો એને અનુસંધાને એ જે ટીમ છે જામવાલ સરની અને એની સાથે અમે પણ જોડાઈશું અને ગિરનાર છે એના હાયેસ્ટ પોઈન્ટ કે જે ગુજરાતનું હાયેસ્ટ પોઈન્ટ છે ત્યાં જઈને શિખર લહેરાવીશું, રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવીશું અને ત્યાં ભારત માતાને જય બોલાવીશું. અને 15 ઓગસ્ટ પણ આવી રહી છે તો એને અનુસંધાને આપણે ભારત માતાની જય સાથે દેશભક્તિનું વાતાવરણ સર્વત્ર ફેલાય એ ખાસ હેતુથી આપણે ત્યાં જઈશું અને એનો આશય આપણે પૂર્ણ કરીશું અને ગર્વની લાગણી અનુભવીશું. આજરોજ જે આ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે આપણી સ્કૂલની અંદર, તેમાં આશરે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ જોડાના છે? આજરોજ જે કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે એમાં 400 વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રધ્વજ લઈને એમની ટીમનું આપણે સ્વાગત કરવાનું છે. आपका नाम सर? मेरा नाम कर्नल रणवीर सिंह जामवाल है और मैं पिछले एक साल से अभी डायरेक्टर निमास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स जो इंस्टीट्यूट है हमारा इंडिया का, वहाँ पे ऐसे डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ. सर आपने आज तक कितने शिखर सर करके हमारा तिरंगा वहाँ पे लहराया है? पिछले 20 सालों से मैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में एज ए पैशन क्लाइंबर काम कर रहा हूँ राधा, और मैंने 3 बार एवरेस्ट पे तिरंगा लहराया है और उसके अलावा 7 महाद्वीपों की जो हाईएस्ट चोटी है वहाँ पे तिरंगा लहराया और तकरीबन 50 से ज्यादा माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन में कर चुका हूँ. सर आप गुजरात और खास करके आज राजकोट में आए हो और कल आप गुजरात के गिरनार पर्वत पे जाने वाले हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे कि वहाँ पे आप तिरंगा लहराने वाले हैं? जी देखिए, हमारा एक मुहिम है रादर, एक मिशन है, मिशन हर शिखर तिरंगा हमने उसको नाम दिया है. 28 स्टेट्स है हमारी, 28 के 28 स्टेट्स के जो हाईएस्ट पॉइंट ऑब्लिक माउंटेन है वहाँ पे तिरंगा फहराना हमारा मिशन का काम है, अभी हम वो कर रहे हैं. 13 स्टेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, वहाँ के हाईएस्ट पॉइंट पे हम तिरंगा लहरा चुके हैं जिसके अंदर 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसके अलावा हिमाचल, अरुणाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, इनमें हम तिरंगा लहरा चुके हैं. और कल हम लोगों ने राजस्थान का जो हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर वहाँ पे तिरंगा लहराया था और आज हम गुजरात में एंटर हुए हैं, कल हम गिरनार पर्वत शिखर पे तिरंगा हम फहराए. यूथ को आप क्या गाइड करने चाहेंगे देशभक्ति के लिए? देखिए जी, देशभक्ति शायद बोल के नहीं आ सकती, वो आपके दिल में है और जैसा हमने आज इस स्कूल में देखा और रवि जी के स्कूल में देखा, हर बच्चा तिरंगा लेके खड़ा था. खड़ा होना अलग बात है लेकिन वो जिस जोश के साथ वो भारत माता की जय बोल रहा था वो देशभक्ति अंदर झलकती है और मैं बहुत खुश हूँ. और मैंने अभी आपको बताया कि शायद ये 14th स्टेट है मेरी और आज तक का ही हमारा सबसे प्यारा और सबसे शानदार स्वागत रहा और मैं शुक्रगुजार हूँ रवि जी का और इनके पूरे स्कूल का और सभी बच्चों का जिन्होंने हमें इतना प्यारा और इतना शानदार स्वागत किया है.